तो फिर से 3321 का पेमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज रिटर्न नहीं फाइल होगा. यू कैन नॉट फाइल रिटर्न विदाउट पेइंग टैक्सेस, यू हैव टू पे टैक्सेस बिफोर फाइलिंग रिटर्न. कितना अच्छा है, ओल्ड इनकम ओल्ड सर्विस टैक्स में ओल्ड वैट लॉ में लोग टैक्स पेएबल दिखा के रिटर्न अपलोड. दे दो ऑप्शन, टैक्स पेएबल दिखा दो और क्या कर दो, रिटर्न अपलोड कर दो. भाग तो नहीं जा रहे, पेएबल है, करेंगे पे आगे लाइफ में फ्यूचर में जाके. विजय माल्या चले गया वैसे 600 करोड़ रख के पेएबल, 600 करोड़ से ज्यादा बड़ी अमाउंट है पेएबल. यहाँ पे चलता है क्या पेएबल? नहीं, पेएबल है तो अपलोड ही नहीं होगा. तो सर अगले महीने करेंगे, नहीं, लास्ट अनलेस एंड अंटिल यू फाइल योर लास्ट मंथ रिटर्न, तब तक तुम्हारा नेक्स्ट मंथ का रिटर्न ओपन ही नहीं होगा. इतना ऑटोमेटेड है, इतना बेस्ट है. ऑलराइट, टैक्स की चोरी अभी करना पॉसिबल नहीं है, है पॉसिबल है, लोग तो करते हैं, लेकिन तुम्हारे मेरे जैसे लोग तो नहीं कर सकते, जबकि पहले अपने जैसे लोग भी कर पाते थे. अभी खाली बहुत महान बनना पड़ेगा तभी ये सब कर पाओगे. ठीक है, ₹6,640 ये अपने आप आ गया, मुझे लिखना नहीं पड़ा. पेमेंट के मोड बताओ कितने हैं, ई पेमेंट, ओवर द काउंटर, NEFT. अपन क्या करते, कौन सा सिलेक्ट करते बताओ? ओवर द काउंटर के लिए बैंक में जाना पड़ेगा, तो ई पेमेंट सिलेक्ट करते हैं. ई पेमेंट पे सिलेक्ट हो गया, क्रिएट जनरेट चलान, चलान जनरेट सक्सेसफुली. यहाँ पे देखो कितनी बातें ध्यान रखनी है आपको. सीपीएन नंबर, ये चलान का नंबर है, काउंट करता हूँ कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. कितने डिजिट का सीपीएन होता है? 14 डिजिट का होता है. चलान क्रिएशन डेट एंड टाइम, एग्जैक्ट टाइम होता है. देखो टाइम, सर्विस टैक्स का बता देता हूं आपको मैं. इन सर्विस टैक्स वी वेर सपोज टू पे टैक्स बिफोर 8 o'clock, देन ओनली इट विल बी कंसिडर टूडेज पेमेंट. इफ यू मेक पेमेंट एट 8:05 इवनिंग, इट इज नेक्स्ट डेज पेमेंट. सो वॉट इज द डिफरेंस, यू हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर वन मोर डे नाउ. सो इफ यू हैव टू पे मेक पेमेंट, यू हैव टू मेक पेमेंट बिफोर 8 o'clock, बिफोर बैंक क्लोजेस. मैक्सिमम बैंक टाइम कितना होता है? 8 o'clock. ओके, या हियर यू कैन मेक पेमेंट 24/7. कन्वीनियंस, ऑलराइट. दिस विल शो चलान डेट एज वेल एज टाइम. अच्छा, आई कैन यूज, इफ आई डोंट हैव मनी नाउ, आई हैड क्रिएटेड चलान, आई कैन पे टुमारो, आई कैन पे डे आफ्टर टुमारो, आई कैन पे डे आफ्टर टुमारो, नो प्रॉब्लम. हाउ मेनी डेज दे आर अलाउिंग मी, ऑन विच डे दिस चलान विल बी एक्सपायर? 14. वी हैव क्रिएटेड ऑन 30th August, इट विल एक्सपायर ऑन 14th September. दैट मीन्स वॉट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चलान? सो वॉट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीपिन? 15 days. हेलो, मोड ऑफ पेमेंट? ई पेमेंट. ऑलराइट, दिस इज माई पैन, दिस इज माई GST नंबर, डिड आई राइट इट? ऑटोमेटिकली जनरेटेड. ईमेल एड्रेस, दिस इज माई ईमेल एड्रेस, ऑटोमेटिकली क्रिएट केम हियर. दिस इज माई मोबाइल नंबर, ऑटोमेटिकली इट विल बी देयर. ऑलराइट, नेम, एड्रेस, दे आर नॉट शोइंग इट बिकॉज दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट टू अदर्स, बिकॉज दिस चलान में गो आउटसाइड ना, बैंक में भी जा सकता है. ऑलराइट सर, वी हैव टू कंफर्म दिस वेदर वी आर पेइंग टैक्स इन राइट कॉलम. ऑब्वियसली वी आर पेइंग इन राइट कॉलम. एम आई क्लियर? टोटल टैक्स इज 6642. वी हैव सिलेक्टेड नेट बैंकिंग. ऑलराइट, पेमेंट मोड सिलेक्ट करोगे तो ये सारे बैंक आते हैं. अपना बैंक है क्या ढूंढो, नहीं ये तो इन बैंक को चेक करना और उसमें बैंक अकाउंट खोलना. हाँ, क्योंकि इतने ही बैंक है. अरे, ओनली दिस मेनी बैंक्स आर अलाउड नेट पेमेंट के लिए. अलाहाबाद बैंक, आंध्राबाद, एक्सिस बैंक, बैंक कोई दे रहा है क्या अपना कार्ड? मेरा है ICICI, मेरा है, मेरा दिख लिया तुम लोगों ने सालों. हाँ, इधर जाके भूलने का नहीं. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि नहीं अप्लाई? अप्लाई. हेलो, मेक पेमेंट. चेक करते, वी विल चेक. सी, ये चलान जनरेट हुआ मेरे बैंक का, ट्रांजैक्शन समरी. ठीक है, नाउ देयर आर टू ऑप्शन दैट ICICI बैंक हैज गिवन, पे एज अ कॉर्पोरेट यूजर, पे एज अ रिटेल यूजर. ठीक है, मैं कौन हूँ, दिख रहा है मेरी शक्ल दिखे आपको, लग रहा है कॉर्पोरेट यूजर हूँ? नहीं, तो अपन क्या है, रिटेल लोकल. हाँ, अब ये मत पूछो, यूजर आईडी और पासवर्ड भी बता दो.
देखो ऑटोमेटिकली पेमेंट टाइप भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आ गया ठीक है। मेरा जीएसटीएन नंबर और सीपीएन नंबर इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इज दिस इन फॉर चलान, बिकॉज एवरी मंथ वी विल पेइंग लॉट ऑफ टैक्सेस ऑलराइट। सो दिस सीपीएन नंबर इज द ट्रैक नंबर कि कौन से सीपीएन में गया था। टोटल टैक्स अमाउंट 6642 ऑलराइट। सीजीएसटी जीएसटी बाइफर्केशन उनके कोड भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। रिमार्क अगर कुछ रखना है तो लिखो, कौन से मंथ का पेमेंट कर रहा हूं मैं, कंटिन्यू, प्लीज सिलेक्ट अकाउंट नंबर, कहां से सिलेक्ट करूं, यहां पे बैलेंस है। अरे पार्टी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ, यहाँ पे काम करो, यहीं पे पार्टी दो। द पेमेंट मेड सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इन प्रोग्रेस, फिर रिडायरेक्ट हो जाएगा। क्या किया अभी हमने, नहीं नहीं बोलो ना, हमने क्या किया, पेमेंट किया। कैसे पेमेंट करते समझ में आया, आर्टिकल शिप में कर लेना, योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अपने को कुछ नहीं करना होता, ऑटोमेटिक सब कुछ साइड करा है, फिर से लॉगिन भी नहीं करना पड़ा मुझे यहाँ पे। और कितना इजी बना के दे, टैक्स पे करना इतना सिंप्लीफाइड हो गया है, तुमको पेन नहीं पता। अर्लियर वी हैड पेड टैक्सेस, टुडे वी यूज्ड टू गो एंड स्टैंड इन अ क्यू ऑफ बैंक ना, पूरा दिन जाता था, फिर हम चेक जमा करते थे, वी यूज्ड टू राइट चेक टू द बैंक जीएसटी डिपार्टमेंट के नाम पे, सर्विस टैक्स के डिपार्टमेंट नाम पे, बैंक यूज्ड टू कलेक्ट इट एंड देन कलेक्टर ने अपने को रिसीट देते थे। अब बैंक बोलते थे चालान आपको आज नहीं मिलेगा, वी विल इश्यू चालान आफ्टर दिस चेक गेटिंग क्रेडिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट। सो आफ्टर 3 days अगेन यू विल गो एंड स्टैंड इन अ क्यू, व्हाई, टू टेक चालान। टैक्स पेमेंट वाज़ द प्रोसेस ऑफ 2-3 days। हेलो, नाउ 2-3 minutes। हेलो, मेरा देश बदल रहा है। नहीं नहीं, आई शोड यू बिकॉज जस्ट टू मोटिवेट यू गाइज कि ये प्रैक्टिस होता है, यू बिकम ऑन दिस साइड एज अर्ली एज एज पॉसिबल ठीक है। बिकॉज सी एवरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आई कॉन्ट टीच यू, समथिंग दैट यू हैव टू डू एट योर ओन ना। सो टुमारो यू आई विश दैट यू शुड बी फाइलिंग ऑल दिस पेमेंट्स एंड ऑल। ये चालान जनरेट हो चुका है, सब कुछ हमने पेमेंट कर दिया है, व्यू ड्राफ्ट कर लो अभी देखो। चलो बाकी चीजें वो लोग को करने दो ऑफिस में से, अपन अपने चैप्टर पे आते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर, द व्हाट एवर प्रोसेस वी हैड डन, लेटेस्ट क्रॉस चेक की लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, पेमेंट कैसे करना था, ऑनलाइन, दैट इज व्हाट रिटन हियर। ऑलराइट, डेफिनेशन आई डोंट वांट टू रीड नाउ। There are some certain authorized bank. Every bank is not authorized. Hello. There are selected list of authorized bank. Shh.
सुनो, हेलो, थ्री शॉर्ट नोट्स बैक टू बैक विल बी आर एक्सपेक्टेड इन एग्जाम, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर एंड ई लाइबिलिटी लेजर. ओके, सो आई हैड एक्सप्लेन यू, आई हैड शोन यू ऑन वेबसाइट ऑल्सो नाउ. ऑलराइट, ई कैश लेजर इज अ समरी ऑफ ऑल डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स. ओके, सो यू नीड टू रीड वन लाइन. सर, मोड ऑफ पेमेंट टेल मी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ऑनलाइन कैसे होता है? बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड. इज देयर एनी लिमिट? नो. एनईएफटी, आरटीजीएस एंड ओवर द काउंटर. बट व्हाट इज द ओवर द काउंटर लिमिट? 10,000 पर चलन पर टैक्स पेड बाय कैश, चेक और डीडी. एनईएफटी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ऑलराइट, नाउ दे से यू कैन नॉट गो ऑन काउंटर एंड पे टैक्स मोर देन 10,000 ओवर द काउंटर. But there are certain exceptions. These are the genuine exceptions. If government has found a truck without bill, you understand, vehicle without bill, that means we found that guy, he was doing smuggling, he was doing, you know, tax evasions. So we found that, we told him like, tujhe abhi ke abhi tax bharna padega. We started beating him and he also accepted it. And he was ready to pay tax under 12 subsection 5. A residuary case. Sir, tax bharta hu aaj main. All right, so we took him to the bank. Can we say, आज खाली 10,000 ही भर सकता है? बोलेगा अच्छा है? क्या लॉ बना है? ठीक है? तो हमने बोला कि नो नो नो, 10,000 का लिमिट तुझे अप्लीकेबल नहीं, तू महान है, तुझे ढूंढ के निकाला है. All right, so proper officer or any other officer authorized. So officers are authorized to collect more tax than 10,000. All right, government department, will there be any limit on government depositing tax? So we cannot put limit on government deposit. I told you, government is also responsible to make some taxes. Alright. Person notified by commissioner. Commissioner also can notify, okay, this category of person can deposit more than 10,000. To recover outstanding dues including attachment proceeding. So your attachment proceeding has started. Your property has been attached. You understand, by government. They are about to sell your property. Now there cannot be any limit of 10,000 rupees. To collect amount of tax by way of cash, check, demand draft during any investigation. Hello, yeah. So these are the these are the exceptions. These are the certain words that I do expect in MCQs as a this, you know, abbreviation CPIN. I told you, just shown you CPIN. CPIN stands for Common Portal Identification Number. Common Portal, you already know, GST website identification number. What are the number of digit? 14. Validity? 15 days. Seen. When we generated challan, I did not show you that challan. Sorry. When I downloaded that challan, alright, that challan will have challan that will be given by my bank. Challan identification number. Okay? Challan identification number will be of 17 digit. 17. Alright. And those 17 digit are, you know, they are including 14 digit from CPIN and 3 digit bank code. Alright, so every bank will have their own 3 digit. Then BRN. What is BRN number, sir? Bank reference number. Alright. For payment against each challan. So that will be a BRN number. EFPB. Alright. So what is this? Electronic Focal Point Branch. I told you all branches are not authorized to collect taxes. ICICI Bank is authorized to collect taxes, but not all branches. Alright. There is on Andheri West Transport Highway, there is a ICICI Business Banking Branch. Hello. That branch is authorized to collect taxes. This Jogeshwari branch is not authorized to collect taxes. So it's not that all ICICI banks, all branches can collect taxes. No, there are branches also authorized, and those branches are known as electronic focal point branch. You understand? These are the names. Validity of 15 days, challan validity and all. See, this is the major head I show you. What was the major head? IGST, CGST, AGST and SES. And minor head, tax, interest, penalty, fees, others. Question. An amount of 1,000 is available under minor head tax. Please understand question, technical question. An amount of 1,000 is available under minor head tax of major head HGST, UTGST. So Maharashtra, it is available there. 1,000 is available. And the taxpayer has liability of 200 rupees for minor head interest under the same head. So my liability is same in HGST, 200 rupees interest.
and amount is available in tax. Question is very simple. Can I use tax amount against interest? No. No. You understand? Since there is no amount available under the minor head interest, under the major head of AGST and UTGST, therefore, interest payment cannot be made from the amount available under tax. Hello? That means you have to deposit money. Again, I'm telling you, you cannot make mistake while payment of tax. You cannot make mistake while payment of tax in cash, that monetary form, e-cash ledger. You understand? Because you cannot use for any other purpose. That defined purpose, that tax that you give to that particular amount, you can use only for that purpose. Okay? Next. A taxpayer made cash deposit of 1000 IGST tax. Where he deposited? Hello, where he deposited amount? IGST tax. Through net banking. Net banking is allowed? Yes. The taxpayer can utilize this cash deposit where? Where can he use this IGST tax? Only against IGST. Only. Can you see this word? Only written in bracket. Alright? Bold letter. Electronic credit ledger. Whatever is written in this particular highlighted area is most important thing. Can I use my credit, ITC, against penalties? No. Again, interest? No. Again, delayed filing fees? No. ITC can be used only against tax liabilities. Hello? Can only be used against payment of tax, not against any other minor head. Input tax credit, no? Tax can be used only to offset tax. Tax can be used only to offset tax. You cannot use input tax credit to offset any other liability. Hello? That means interest liability, fees liability, you have to pay in cash. Through cash ledger. Okay? Manner of utilization you already know. CGST credit cannot be utilized against AGST. And AGST cannot be utilized against CGST. Balance you this know. IGST can be utilized against IGST, CGST, AGST. ITC of CGST can be utilized against CGST, IGST, and AGST can be utilized against AGST and IGST. But this is not possible. C2S not possible. Now next ledger is electronic liability. Will reflect total tax liability of a taxpayer after netting off for particular period. Netting off means sometimes sales and sales return. Hello? Debit note, credit note. After calculating everything, it will show net liability. Am I clear? Yes, liability, what liability, e-liability ledger will show here? What will it show? Liability. Which liability? Total liability. Total means tax, interest, fees, penalty, everything. You understand? Automatically it will show. Hello, yahan pe ek hai. Which liability you will discharge first, previous or current? Previous. What did I tell you? First you have to clear your previous period liability. Then only you can come on current period. Alright? And then demand and notice if something is there. Additional tax liability. Now this is debit, debit electronic credit ledger or cash ledger. Okay? Debit to electronic credit ledger or credit to electronic liability. Kya hoga credit? Electronic liability ledger ko credit hoga aur cash ledger ko debit hoga. Kya debit ho sakta hai? What can you pay from electronic credit ledger? Tell me only one item you can pay from electronic credit ledger. Liability mein 4-5 item hai. What 4-5 item? Tax, liability, tax, interest, fees, penalty, others. What can you pay by using credit? Only tax. You understand? Only tax. But from cash ledger, sir, cash ledger you can pay tax as well as you can pay interest, penalty, fees, everything. This question is a hidden question. Alright, mark this question, very important. You don't see it. It is on page number 9.25. Alright, how do the new payment system benefited taxpayer? Is it benefited first? Has it benefited me? I told you it has reduced my compliance burden by like at least 30-40%. Articles are very happy with this. Hello? Because she had never gone to bank. Who goes to bank?
Articles or office staff. No more queues. You understand? Now this difference can only be understand person who had worked before old system and under new system. You people will never appreciate it because you people have not seen the trouble that we had faced in old system. This is written for us. No more queues and waiting for making payment, as payment can be made online 24/7. Instant online receipt. The moment you pay, online receipt can be downloaded. Earlier, payment today to collect challan, go after 2 days. Yeah? Tax consultant can make payment on behalf of client. Why? Because majority client, they, like you are having bank in Dena Cooperative Bank or Kalyando Muli Cooperative Bank or some cooperative bank here. Was they listed there? No. As a client, what will you do? You will deposit money to my account and I can log in and I can pay on your behalf. That also benefit available. Alright? Single challan, was there different challan for CGST, AGST, IGST? No. Or single challan was inclusive of everything? No. Single challan. Only single challan is enough to pay everything. Alright? What else you want? Revenue will come earlier to the government. Why? How much time it took to credit to government, tell me? Just now debited to my bank account, immediately credited to government bank account. This is a real time basis transaction. Earlier I will deposit check, after 2 days it will get credited to government bank account. Hello? Yeah? Greater transparency. Everything is online. Every challan is getting generated online. List scope of manipulation. Online payment made after 8 p.m. will be credited to taxpayer's account on the CMA, which was not happening in service tax. Okay? So this is a hidden question. Mark it important, it may come in exam. Interest bata diya maine. Hello, interest konse circumstances mein lagega? What must have you done that they are charging interest on you? So three circumstances. Hello, delay payment in tax, full or part. Am I clear? Second, undue or excess credit of claim of input tax credit. Galat claim le liya. You have bill of 1 lakh rupees, you while putting data, you put 10 lakh rupees. 10 extra. But that 10 extra has reduced your liability substantially. Now we will charge interest from you because you had claim excess credit. Hello? Yeah? So this is what they have written. Two cases of undue excess claim of input tax credit or undue or excess reduction of output tax liability. So what is